हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिमेट्रिक कर्नल मेथड, और ये यूज़ करेंगे हम फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन। होमोजेनियस भी हो सकती है, नॉन होमोजेनियस भी हो सकती है, लेकिन ये मेथड आपका तभी लगेगा फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशंस के अंदर जब आपका कर्नल जो है इस इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए क्या हो, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कर्नल हमने कर लिया था। क्या होता है सिमेट्रिक कर्नल, कि अगर आप x और t को आपस में रिप्लेस कर देते हो तो कर्नल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये के x t देख सकते हो, जब आप x को t से और t को x से रिप्लेस करोगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो गिवन आपका कर्नल सबसे पहले तो सिमेट्रिक होना चाहिए, और जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, फ्रेड हो, तब हमारा मेथड ये यूज़ होता है। और इस ये क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ पूछा ही जाता है, आ ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड में जो हम यूज़ करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमें पता होना चाहिए लेमनिट्स रूल। लेमनिट्स रूल किस लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, DUI नाम से भी जान सकते हो। तो उसमें अगर आपका फंक्शन टू वेरिएबल का और एक वेरिएशन वेरिएबल के अंदर आपको इंटीग्रेशन दिया जाए, और दो लिमिट हैं अल्फा एक्स और बीटा एक्स में, ये अगर आपको इंटीग्रेशन दिया जाए तब आप इसका डेरिवेटिव जब करोगे DI/DX दोनों साइड, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो अकॉर्डिंग टू लेमनिट्स रूल क्या होता है कि जो डेरिवेटिव है वो आपका पार्शियल बन जाता है अंदर जा करके। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है, बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाता है, ठीक है। प्लस फिर आप क्या करते हो कि जो एफ है एक्स है टी के अंदर अपर लिमिट पुट कर देते हो, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर देते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट कर देते हो और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू अल्फा डैश। तो सबसे पहले तो आपको ये लेमनिट्स रूल पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसका यूज़ करके जब ऐसी इक्वेशन दी जाए, अगर आपका कर्नल सिमेट्रिक हो तो हम पहला काम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इंटीग्रल इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमारा लेमनिट्स रूल हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन में जो kxt है वो चेक करेंगे कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो आपकी इक्वेशन दी हुई है फाइ एक्स लेमडा इंटीग्रेशन जीरो से पाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लिमिट को तोड़ेंगे, क्योंकि हमें लिमिट चाहिए t की, ठीक है, t की लिमिट चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, इसको हम x को t से और t को x से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो कोई इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि इसको हम x और t रिप्लेस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगा, तो t की वैल्यू आपको मिली कि जब t आपका 0 से x होगा तो कर्नल ये है, और अगर t x से पाई है तो आपका कर्नल क्या होगा, जब हम x को t से और t को x से रिप्लेस कर देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो इस लिमिट को हम तोड़ देंगे 0 टू x में, जब आप 0 टू x में जाओगे तो कर्नल की वैल्यू क्या आएगी, t की लिमिट जब 0 से x है तो आपका कर्नल क्या लिखा जाएगा, साइन t cos x, साथ में फंक्शन ऑफ t आ रहा है dt, प्लस x टू पाई जब लिखोगे तब आपका कर्नल है cos t sin x phi t dt। ये हमने सबसे पहले तो इस तरह से कर्नल को लिख लेना है, जो अपनी गिवन लिमिट होगी उसको हम ब्रेक कर लेंगे उस पार्ट में जो लिमिट दी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड, तो इस साइड आएगा फाइ डैश एक्स लेमडा
अब अंदर जाके इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन को अगर आप नोट आउट करो तो ये फंक्शन किसका है, एक्स और टी का। तो हम क्या करेंगे, जब डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो पार्शियल हो जाएगा, तो पार्शियल करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, बाकी सब कुछ क्या है एज इट इज रखना है आपने, टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और प्लस इस फंक्शन के अंदर क्या करते हो, जहां जहां टी है वहां पे अपर लिमिट पुट करते हो, अपर लिमिट क्या है एक्स है, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स और कोस एक्स तो एज इट इज है ही, फाई टी था तो फाई ऑफ एक्स आ जाएगा, और एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो वन आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे जहाँ पे टी है, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये तो पार्ट आने वाला नहीं है इसमें। फिर हम करेंगे प्लस इसका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल से ये क्या होगा, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो फिर अंदर जाके वो पार्शियली बनेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स टू पाई, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, और टी वाले फंक्शन एच डीज आ जाएंगे कोस टी फाई ऑफ टी डी टी। फिर प्लस करके आप क्या करोगे, टी को अपर लिमिट से रिप्लेस करोगे जो कोस पाई आएगी, फिर आप अपर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे तो ये कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस जीरो। फिर आप माइनस करते हो, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हो टी की जगह, तो लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा माइनस कोस एक्स साइन एक्स पहले ही है फाई ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन। तो ये ओवरऑल हमने एक बार डेरिवेटिव करने के बाद हमें मिल चुका। अब आप यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो इसको हम रफ कर देते हैं बीच में से, ये बच जाएगा आपका प्लस एक्स टू पाई कोस एक्स कोस टी फाई ऑफ टी डी टी, ये बच गया। जब एक बार हमने डेरिवेटिव कर दिया तो ये बच जाएगा, फिर एक बार और करेंगे दोनों साइड डिफरेंशिएशन, तो जब इंटीग्रेशन के अंदर होता है वो पार्शियली बन जाता है, तो यही सेम रूल ये फॉलो होगा, तो माइनस जीरो टू एक्स साइन का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस एक्स साइन टी फाई टी एज इट इज होगा डी टी। फिर ये बाहर है माइनस, तो इसको बाहर ले लेते हैं, फिर लिखोगे प्लस अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा आपका साइन एक्स टी को जब रिप्लेस करोगे तो साइन स्क्वेयर एक्स आ जाएगा, और साथ में फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, लोअर लिमिट कॉन्स्टेंट है तो वो जीरो हो जाने वाली, ठीक है, तो माइनस में जीरो। अब इसका करोगे तो कोस एक्स का माइनस आएगा, तो एक्स टू पाई इसके अंदर पार्शियली होगा तो माइनस साइन एक्स आ गया, और कोस टी आपका एज इट इज फाइव टी भी एज इट इज डी टी। फिर आप क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे टी की जगह, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे तो टर्म क्या हो जाने वाली है जीरो, और माइनस में लोअर लिमिट पुट कर देते हो तो ये बनेगा कोस स्क्वेयर, क्योंकि कोस एक्स पहले ही पड़ा है, टी को करोगे तो कोस एक्स और आ जाएगा, कोस स्क्वेयर एक्स फाई ऑफ एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद में अगर इसको ध्यान से हम देखें तो इसको मैं माइनस बाहर निकालूं, इसको लिख सकते हैं माइनस जीरो टू एक्स कोस ऑफ एक्स साइन टी फाई टी डी टी, और माइनस में वो इकट्ठा कर लेते हैं माइनस एक्स टू पाई साइन एक्स कोस टी फाई ऑफ टी, ठीक है। लेमडा ओवरऑल बाहर पड़ा हुआ है तो हम लेमडा निकाल लेते हैं एक बार और, और इसके बाद में अंदर बचेगा आपका माइनस साइन स्क्वेयर एक्स फाई, और माइनस का कोस स्क्वेयर एक्स और फाई। अब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे और फाई कॉमन लोगे तो ओवरऑल ये इक्वेशन, और अगर ध्यान से देखो अगर इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया बाहर तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस बाहर आ गया, तो ये जो पूरा है लेमडा के साथ ये
ये आपको ओरिजिनल इक्वेशन में दिखेगा फाइव एक्स के इक्वल आ रहा होगा, तो इसको हम पुट कर देंगे माइनस फाइव ऑफ एक्स इतना। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका फाइव ऑफ एक्स के इक्वल ही है, यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसको कर दिया फाइव ऑफ एक्स और माइनस का फाइव ऑफ एक्स, ये ध्यान रखना है। और माइनस बाहर आएगा तो लेमडा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस और फाइव भी बाहर आएगा, और अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, वो क्या हो जाता है वन, और फाइव डबल डैश एक्स, यानी कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी फाइव डबल डैश एक्स। और इसमें से अगर आप माइनस फाइव को कॉमन लें तो अंदर वन प्लस लेमडा बचेगा, तो इक्वेशन बन गई आपकी फाइव डबल डैश वन प्लस लेमडा फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों की दोनों बाउंड्री हमें गिवन है, तो यानी कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनानी है। तो फाइव डबल डैश डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिल गई, अब हम बाउंड्री कंडीशन और ढूंढ लेते हैं कि क्या दी हुई है। तो फाइव ऑफ एक्स ये है, अगर हम इनिशियल पॉइंट जीरो पुट करें इसमें तो जीरो टू जीरो ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो। तो एक कंडीशन आपको मिल रही है कि फाइव जीरो पे जीरो होगा। ठीक है, फिर आप फाइव पाई चेक कर सकते हो, अगर आप पाई पुट करोगे तो जीरो से पाई और पाई से पाई ये बच जाएगा नॉन जीरो, तो इसके लिए कंडीशन नहीं आएगी। फिर हम चेक करेंगे फाइव डेज में जीरो, तो फाइव डेज में जीरो पुट करोगे तो जीरो से जीरो ये आएगा, और जीरो से जीरो जीरो हो जाएगा, ये भी नॉन जीरो बच जाएगा, यानी फाइव डेज जीरो पे भी हमें कोई कंडीशन नहीं मिलेगी। फिर हम करेंगे फाइव डेज पाई पे, जब फाइव डेज में आप पाई पुट करोगे तो जीरो टू पाई, यहाँ साइन पाई आएगा तो जीरो बन जाएगा, यहाँ पाई टू पाई ये इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो यानी कि हमें फाइव जीरो पे जीरो और फाइव डैश पाई पे जीरो, ये दो कंडीशन मिल गई इस डेरिवेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। यानी कि इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करने की बजाय हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमें जो मिलेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, तो ये आपको एसएलपी की फॉर्म की दिखेगी, एसएलपी स्ट्रम लिउविल प्रॉब्लम। तो स्ट्रम लिउविल प्रॉब्लम क्या होती है, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, और स्ट्रम लिउविल प्रॉब्लम ऐसी कंडीशंस के लिए काम करता है जब हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस है और सेकेंड ऑर्डर की है, साथ में कंडीशन होती है सेल्फ एडज्वाइंट। तो स्ट्रम लिउविल प्रॉब्लम में क्या किया जाता है कि जो होमोजीनियस सेल्फ एडज्वाइंट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकेंड ऑर्डर की, उनके लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने के लिए इसके ऊपर वर्क किया जाता है। और ऐसी लेमडा की वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, जिनके कोरस्पोंडिंग यहाँ पे आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो हमें स्ट्रम लिउविल प्रॉब्लम मिल चुकी है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये स्ट्रम लिउविल प्रॉब्लम है या नहीं, दोनों की दोनों बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन है तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आ गई। इसको आप सेल्फ एडज्वाइंट भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एसएलपी का लेक्चर जरूर देखें, वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, तो पहले वो चेक करें, उसके बाद आपको ये चीज समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब एसएलपी को हम सोल्व करते हैं तो वहाँ पे हमने एक केस किया होता है कि वाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई, अगर आपको इस तरह की एसएलपी मिल जाए विद बाउंड्री कंडीशन, तो वहाँ पे अगर क्यू एक्स जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो वहाँ हमें मिलता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल रिजल्ट मिलता है हमें कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोज। और अगर क्यू एक्स आपका नेगेटिव होता है तो उस केस में मिलता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हैज एट मोस्ट वन रूट, यानी कि अगर आप क्यू एक्स को नेगेटिव लोगे तो उस केस में या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। कौन से की बात कर रहे हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये ध्यान रखना, दो रिजल्ट वहाँ पे हमने किए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छी तरह, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वो आप पहले चेकआउट कर लें। तो ये दो रिजल्ट है वहाँ पे। अब यहाँ पे वन प्लस लेमडा जो आ रहा है उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका वन प्लस लेमडा
पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो वन प्लस लेमडा को अगर नेगेटिव लिया तो ये केस आ जाएगा, क्यू एक्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्यू एक्स की जगह अब आपका वन प्लस लेमडा है। अगर हम नेगेटिव लेकर के चलेंगे तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसके पास एट मोस्ट वन रूट होगा, यानी कि या स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज। अब इस कंडीशंस को देखो, क्या जो फाई हम ढूंढ रहे हैं, अगर हमने वाई वन प्लस लेमडा को नेगेटिव लिया, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? अगर फाई डैश पाई यानी किसी पे जीरो हो रहा है तो यानी कि इस तरह की कंडीशन बन रही होगी, यानी कि ये केस तो पॉसिबल नहीं है, वन प्लस लेमडा आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर पॉसिबिलिटी है कि अगर हम वन प्लस लेमडा को लेके चलें, क्या फाई नॉन जीरो आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो ले लेंगे। तो वन प्लस लेमडा को अगर आप जीरो मान के चलोगे तो हम चेक करते हैं क्या आइगन वैल्यू बनेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा फाई डैश इज इक्वल टू जीरो, तो फाई जो मिलेगा वो सी वन प्लस सी टू एक्स आएगा। जब ये बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो फाई जीरो पे जीरो, यानी कि आपको सी टू जीरो मिल गया। फिर फाई डैश करोगे वो सी टू आएगा, सॉरी यहाँ से आपको मिल गया, जब आप सी वन जीरो मिला, इधर से सी वन जीरो मिला, यहाँ से सी टू जीरो मिलेगा क्योंकि पाई पुट करोगे तो जीरो। तो यानी कि जब वन प्लस लेमडा को आप जीरो लोगे तो हमें तो कोई नॉन जीरो सोल्यूशन मिला ही नहीं, क्योंकि ये दोनों मिलके इंप्लाई क्या कर देंगे, फाई जीरो है, यानी कि आपका वन प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो भी नहीं आ सकता, नेगेटिव भी नहीं आ सकता, यानी कि एक ही केस बचता है कि वन प्लस लेमडा आपका पॉजिटिव होगा। उस केस को हम स्टडी करेंगे, वहाँ से ही हमें आइगन वैल्यू लेमडा की मिलेंगी। तो हम 1 प्लस लेमडा को पॉजिटिव ले रहे हैं तो 1 प्लस लेमडा इज इक्वल अल्फा स्क्वेयर, और अल्फा नॉन जीरो होगा क्योंकि जीरो वाला केस हम नेगलेक्ट कर चुके। तो जब आप अल्फा स्क्वेयर पुट करोगे तो इक्वेशन मिल जाएगी आपको फाई डैश प्लस अल्फा स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू जीरो, और कंडीशन है फाई जीरो पे जीरो और फाई डैश पाई पे जीरो। इसकी एक्सेल इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे, ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स आ रही है, तो इसका जो एक्सेल इक्वेशन होगा वो डी स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से रूट आएंगे डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा आयोटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसके लिए फाई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सी वन कोस अल्फा एक्स प्लस सी टू साइन अल्फा एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं, तो कंप्लीट वीडियोज डल चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी, तो वहाँ पे हम ये सब कर चुके हैं किस तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। फिर जब आप फाई जीरो पुट करोगे, फाई जीरो पे जीरो है तो इसके अंदर जीरो पुट करोगे तो कोस जीरो वन साइन जीरो जीरो हो जाता है, तो यहाँ से सी वन जीरो आ गया। तो पहली कंडीशन से हमें फाई का मिल गया कि फाई सी टू साइन अल्फा एक्स होगा। फिर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, अल्फा सी टू कोस अल्फा एक्स। अब कंडीशन दी हुई है कि फाई डैश पाई पे क्या है, जीरो है, यानी कि अब हमें कंडीशन मिल चुकी कि अल्फा सी टू कोस अल्फा पाई इज इक्वल टू जीरो। अल्फा तो आपका जीरो है नहीं क्योंकि हमने पहले ले लिया, अब या तो सी टू जीरो होगा या फिर कोस अल्फा पाई जीरो होगा। अगर C2 जीरो हुआ, C1 पहले ही जीरो हो चुका है, तो यहाँ से ये इम्प्लाई कर देगा कि जो फाई आएगा वो तो जीरो आएगा, फिर हमारा फायदा है क्या हुआ, क्योंकि हमें तो आइगन वैल्यू निकालनी है जिनके कोरस्पोंडिंग नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि C2 को जीरो हम नहीं लेंगे, हम तो इसको लेंगे क्योंकि हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यू कौन सी होती है, जिनके कोरस्पोंडिंग फाई जीरो आए, नॉन जीरो आए सॉरी। तो इस केस में तो ये जीरो आ जाएगा, तो हम इसको जीरो लेकर के चलेंगे। यहाँ से अल्फा पाई इज इक्वल टू, क्योंकि कोस जीरो किस पे होता है, 2n प्लस वन पाई बाई टू पे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी कि जो अल्फा की वैल्यूज यहाँ पे आएगी, 2 नीचे लेके जाओगे तो n प्लस हाफ, ये आपका अल्फा मिल चुका। और हमने लिया हुआ था लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस लेमडा हमने अल्फा स्क्वायर पुट किया था, विच इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस वन, मीन्स लेमडा क्या होगा, n प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस वन, और n की जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं रखे थे, तो क्वेश्चन हमने उठाया था सीएसआईआर नेट 2018 में से, तो वहाँ से आप ऑप्शंस देख सकते हो, ये फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा। तो अगर आपको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो,
जब आइगन वैल्यू की बात की जाती है और कर्नल आपका सिमेट्रिक आ जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेबनीज़ रूल से, डी यू आई डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल रूल से क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को एसएलपी में लेके जाएंगे, दो कंडीशंस ढूंढ्या करेंगे और वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि एसएलपी जो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसलिए हम बाउंड्री कंडीशन निकाल लेंगे फाई में से ही, जो आप फाई फाई डैश निकालोगे वहाँ से मिल जाया करेगी। फिर हम इस इंटीग्रल इक्वेशन की कोरस्पोंडिंग क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है एसएलपी आई है उसको सोल्व आउट करेंगे, वहाँ से लेमडा की आइगन वैल्यू आपको मिल जाती है।